जैतारण शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित दृष्टिहीन क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में राज्य स्तरीय दो दिवसीय 28वीं खेलकूद प्रतियोगिता का समापन समारोह तहसीलदार रमेश जैन व समाज सेवी भागीरथ सोनी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष बाबूलाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कबड्डी, क्रिकेट, 50 मीटर रेस, गोला फेंक सहित 10 खेलों का आयोजन किया गया। खेल प्रतियोगिता में कुंदन राम राठौड़, पुखराज प्रजापति, मवाराम हनुमान दास, बुंडाराम रमेश, सुरेश गौड़, मुरलीधर, मनीष दादिच, शंकरलाल सोलंकी, महेंद्र कुमार जोशी, पूर्ण सिंह चांदावत, पीथाराम राठौड़, भागीरथ कुमार सहित अनेक लोगों ने सहयोग दिया। मंच का संचालन चेतन प्रकाश छिपा ने किया, साथ ही विजय खिलाड़ियों को पारितोषिक बामासा दुर्गाराम चौहान, देवराम कटारिया, अर्जुन राम कुमोद, बद्रीलाल गांची, जौहरीलाल प्रजापति, मोतीलाल द्वारा दिया गया। जितान से दिनेश कछवा की रिपोर्ट, न्यूज़ नेट राजस्थान। प्रतियोगिता को छोटा आंकने का आप बिल्कुल भी प्रयास नहीं करें। इस प्रतियोगिता में जो सभी पधारे हुए मेरे दिव्यांग साथीजन, इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने वाले सारे भामाशाह और इस प्रतियोगिता को आयोजित करने वाली पूरी टीम, दृष्टिहीन क्रीड़ा परिषद, मेरे पत्रकार साथी, ये आपको देख करके मुझे एक मारवाड़ का शेर याद आ रहा है कि ऊंचो राखो होश लो तो काई मुश्किल चीज, ऊंचो राखो होश लो तो काई मुश्किल चीज, और शूरा की आख्या बीच ग्रह तारा ना चीज। जब आप लोगों ने ठान लिया है, आप लोग जो हमारे सामने बैठे हैं, शायद आप हमें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपके सामने बैठा हुआ मंच अपने आप को हल्का सा शर्मिंदा जरूर महसूस कर रहा है कि आप लोगों के बीच एक बड़ी कमी होते हुए भी आप लोग यहां तक पहुंचे और आपने इतनी बड़ी प्रतियोगिता करा ली, और जिन लोगों को हर चीज से नवाजा जा चुका है उन लोगों को व्यवस्था करने में भी इतनी दिक्कत हो रही है। मैं सारे भामाशाहों को मंच की तरफ से भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, सारे खिलाड़ियों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और